तो आज है 10 अगस्त और मैं निकलने वाला हूँ एक और वीकेंड ट्रिप पे मेरे दो कजिन्स के साथ। ब्रांच से आने के बाद ही मैं शाम को निकल जाऊँगा, उसके बाद मुझे और टाइम नहीं मिलेगा बैकपैक करने के लिए। इसलिए हर रोज़ 8:30 बजे उठने की मेरी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज मैं 6 बजे उठ चुका हूँ बैकपैकिंग के लिए। तो निकल चुके हैं हम घर से। वैसे तो निकलने का जो प्लान था वो 6:30 बजे तक निकल जाने का प्लान था, लेकिन इस महाशय की वजह से लेट हुआ, क्योंकि ये रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे गैंग के तीसरे बंदे को लेने। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं बोनाईगढ़ में, रात के 10:30 बज रहे हैं अभी। बस इन कुत्तों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये बोनाईगढ़ का पुराना रॉयल पैलेस है, और ये जो रॉयल फैमिली है ये अब भी यहीं पे रहता है। जब ये पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो ये रॉयल पैलेस था। ये महाशय की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए हम यहीं पे उतर के आगे चले जाएंगे। रात का बज रहा है 11, हम पहुंचे अभी अपने मामा के घर। गेट पे लगा हुआ है ताला, और ये आ गया अपना नया नया एक दिन पहले नर्सिंग ऑफिसर बना अपना भाई मेडिसिन तो अपना एक और बड्डी को साथ में उठाने के बाद रात के 11 बजे हम निकले गोपालपुर के लिए। एक ढाबा पे देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हमें नान खाने का मन था, पर यहाँ पे नान अवेलेबल नहीं है, किसी और ढाबे में नान ढूंढेंगे। रात के बज चुके हैं 12:30, हमको दिखा एक पंजाबी ढाबा। हम जा रहे हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे नान मिल सकता है कि नहीं। तो फाइनली हमें नान कहीं पे भी नहीं मिला, और हमें रोटी और अंडा तड़का से ही संतुष्ट होना पड़ा।